यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 418 का क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स बाय बाइनरी कॉन्केटिनेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है वो देखते हैं पहले, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। सो वी आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स ऑफ साइज 3। बहुत ही अच्छी बात है कि तीन ही साइज का एरे दे रखा है हमें। एंड रिटर्न द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर हुज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैन बी फॉर्म्ड बाई कॉन्केटिनेटिंग दी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन दी नम्स इन सम ऑर्डर। ठीक है, नोट दैट दी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर डज नॉट कंटेन लीडिंग जीरोस। ठीक है, बढ़िया, परफेक्ट। तो अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं उसे, लेट्स से 1, 2, 3, अब इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालो पहले तो। ठीक है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालने के बाद इनको कॉन्केटिनेट करो इन अ वे सच दैट वो सबसे बड़ा डेसिमल नंबर दें। अब ठीक है, चलो देखते हैं। 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालोगे तो क्या आएगा, 1। 2 का निकालोगे तो 10। 3 का निकालोगे तो 1 1 1। अब ठीक है, अब इसको किस ऑर्डर में कॉन्केटिनेट करें। अगर लेट्स से कि हम अगर कॉन्केटिनेट ये करने बैठते हैं, 1 लेट्स से पहले वाले को सबसे टॉप पे रखते हैं। ठीक है, दिस इज़ दी कॉन्केटिनेशन वे, 1 2 प्लस 3। अब इसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 1 1 1 बेसिकली। सो दिस इज़ दी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। बट क्या ये सबसे बड़ा नंबर है? नो आइडिया। सो वॉट इज़ दी अदर कॉम्बिनेशन पॉसिबल? अदर कॉम्बिनेशन क्या है कि अब 1 और 3 को पहले लाओ, 2 को बाद में रख दो, तो 1 1 1 1 0, एक ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब एक और रिप्रेजेंटेशन क्या पॉसिबल है कि अब क्या करते हैं, 3 को पहले ले आते हैं, 3 1 2। अब ये लाया है तो हम 1 1 1 1 0, एक ये पॉसिबल हो गया। फिर एक और पॉसिबल होगा जिसमें क्या, 3 2 1, तो इसमें क्या होगा, 1 1 1 0 1। अब ऐसे ही ये 4 केस लिख चुका हूँ मैं ऑलरेडी, अभी 2 केस और लिखता हूँ। अब 2 केस, ये वाला कौन सा केस होगा, 2 1 3। 2 1 3 लेट्स से 2 1 3 में क्या, 1 0 1, और यहाँ पे आएगा 1 1। एक और केस, ये होगा हमारा 2 3 1। अब 2 3 दिस इज लाइक दिस, ओके। अब ये 6 केस बने। 6 केस क्यों बने, बिकॉज ऑफ 3 फैक्टोरियल। ऑल दी कॉम्बिनेशन हमें, ऑल दी परमिटेशन हमें ट्राई करने पड़ेंगे, राइट। और 3 ही साइज है तो हमेशा 6 ही बनेंगे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज। ठीक है, तो अब ये सारे रिप्रेजेंटेशन निकल गए, इनका बाइनरी निकालो, किसका बाइनरी सबसे ज़्यादा आएगा। अगर हम देखें बाय द फिलॉसफी कि ये जो 0 है ये कंट्रीब्यूशन को निगलेक्ट करेगा, तो जो ये 0 है अगर इसको सबसे राइट मोस्ट में ले जाएं इधर, तो ही हमारा फ़ायदा है। अब राइट मोस्ट में ये 0 कहाँ प्रेजेंट है, किस केस में प्रेजेंट है? देखो, एक तो ये वाला इस केस में प्रेजेंट है, इस वाले केस में, और एक इस वाले केस में। दैट मींस ये दोनों जो सीक्वेंस हैं, ये और ये दोनों वैलिड सीक्वेंस हैं, बाकी नहीं है। बाकी क्यों नहीं है, ये 0 बीच में आ रहा, कंट्रीब्यूशन कम करेगा, दैट मींस जो बड़ा नंबर है वो नहीं बन पाएगा। बड़ा नंबर सिर्फ इससे बनेगा और इससे बनेगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही रिप्रेजेंटेशन है। अगर देखो, यही स्ट्रिंग है, सेम ही है, तो इन दोनों से आंसर आएगा हमारा। अब इन दोनों से आंसर क्या आएगा, इस केस में आ रहा है 30 आंसर। ठीक है, तो सारे कॉम्बिनेशन बना के ट्राई करने हैं। चलो एक बार कोड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, चलो तो क्या करना है हमें, सारे निकालो, बाइनरी में कन्वर्ट करो सबको, नंबर 1 को, नंबर 2, नंबर 3, जो कि हमें 3 ही दे रखे हैं ना। अब कैसे करोगे, ये हमारा डेसिमल टू बाइनरी फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है और स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा कन्वर्ट करके, नंबर ले रहा है
अब नंबर में अगर वो बिट सेट है तो 1 मार्क करो, नहीं सेट है तो 0 मार्क करो। अब ये क्या, और हम लेफ्ट शिफ्ट मतलब डिवाइड बाई टू करते जा रहे हैं। एट द एंड जो रिजल्ट आएगा उसको रिवर्स करो और रिटर्न कर दो, तो ये सारे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमें मिल जाएंगे। ठीक है, जब सारे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मिल गए तो हमने एक अपना पैटर्न्स बनाऊंगा। पैटर्न्स क्या है, ये सारे कॉम्बिनेशंस जो मैंने ये बना के दिखाए थे ना, ये सारे कॉम्बिनेशंस मैं बनाऊंगा। अब सारे कॉम्बिनेशंस में क्या आएगा कि नंबर 1 सबसे पहले रख दिया, नंबर 2 और नंबर 3, फिर नंबर 3 और 2 को स्वैप कर दिया। इसी केस में 2 को सबसे पहले रखा, फिर 1 3 रखा, 3 1 को स्वैप कर दिया। सेम फॉर थर्ड वन एज वेल। ठीक है, अब लास्ट में क्या, हमें तो आंसर निकालना है डेसिमल वैल्यू। तो हमने सारे पैटर्न जितने 6 पैटर्न थे ना सबको ट्राई किया और उसकी डेसिमल वैल्यू निकाली। डेसिमल वैल्यू कैसे निकालेंगे, STO ऑफ आई स्ट्रिंग टू इंट, दिस इज़ अ डायरेक्ट फंक्शन वी हैव, और हम इस तरीके से अपना फंक्शन भी लिख सकते हैं, इट्स आर चॉइस। ठीक है, तो ये लिखो, कन्वर्ट किया। अब ये 2 क्यों दिया है, क्योंकि 2 वेस चाहिए ना, बाइनरी स्ट्रिंग है इसलिए। और फिर जो भी मैक्स वैल्यू आई उसको स्टोर करा और रिटर्न कर दिया। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखोगे तो क्या है, कॉन्स्टेंट है। क्यों कॉन्स्टेंट है, अब ये हम जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो 6 टाइम्स ही तो कर रहे हैं, तो ओ ऑफ 6 क्या होगा, ओ ऑफ 1, कॉन्स्टेंट ही है ना, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो वो भी सेम ही है, ओ ऑफ 1, ओ ऑफ 6 बेसिकली। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये आराम से वर्क करेगा। तो होप सो कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोडिंग करते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।